हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट जो है देखने वाले हैं और सभी साथी इस अपडेट का यहां पे महीनों से इंतजार कर रहे थे कि फाइनली सर आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन 23-24 सेशन के अंतर्गत यहाँ पे जारी हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्र यहाँ पे आवेदन किए थे और फाइनली इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी पिछले मंथ यहाँ पे कंप्लीट कराया गया था। और सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कहां से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है। और इस मेरिट लिस्ट का खास बात यह है कि इसमें आपको वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को भी रखा गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इसमें वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट को रखा गया है। इसीलिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए मेल लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया है तो वेटिंग लिस्ट में भी आप आपका नाम मिला सकते हैं। इसके साथ साथ हम कटअप भी कवर करने वाले हैं कि किस ट्रेड का क्या यहां पर कटअप गया है, पूरा ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज सारा चीज आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सभी छात्र सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि जितने कैंडिडेट अभी तक इंतजार कर रहे थे उनका फाइनली यहाँ पे इंतजार तो है वो समाप्त हो चुका है और यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर के तरफ से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट अर्थात ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और यह भी सबसे बड़ा अपडेट, और कुछ ही मिनट पहले इसका ऑफिशियल साइट पर अपडेट आया, जैसा कि आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, 7 नवंबर 2023 के डेट में यह जो अपडेट है यहाँ पे निकाला गया है। और ये प्रोविजनल जो जितने कैंडिडेट डीवी में शॉर्टलिस्टेड किए गए है, डीवी के बाद फाइनल जाने के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए, उनका लिस्ट यहां पे पूरा हम देखने वाले हैं। तो देखिए सब्जेक्ट में आपको बताया गया है कि प्रोविजनल रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सुटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1901 सेट एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1992 इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन एंड वर्कशॉप मोतीबाग फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड 2023। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल बताया गया है वैकेंसी के बारे में कि कब कब वैकेंसी आया। तो देखिए 6/6/2023 के डेट में यहाँ पे वैकेंसी जो है आपको देखने को मिला था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन और मोतीबाग वर्कशॉप की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला आपको नागपुर डिवीजन का मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा और इसमें कट ऑफ आपको कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया, कट ऑफ बहुत लोएस्ट कट ऑफ पे यहाँ पे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। ठीक है ना, चलिए यहां पे आप देख लीजिए टोटल यहां पे बात करेंगे तो कारपेंटर का सबसे पहले आपको मिलेगा और कारपेंटर के बाद आपको यहां पे देखिए कारपेंटर का वेटिंग लिस्ट भी रखा गया, स्टैंड बाय लिस्ट भी रखा गया, जिसमें टोटल 6 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। उसके बाद कोपा का अगर बात करें तो कोपा में आप सभी देख सकते हैं टोटल यहां पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए कितने हैं। तो यहां पर टोटल आपका जो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए 91 कैंडिडेट को यहां पर ज्वाइनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और वेटिंग लिस्ट में अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट में यहां पर 3 ही कैंडिडेट को रखा गया है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, और इलेक्ट्रीशियन का आप सभी को बता दें कि आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर में टोटल 206 सीट है, बहुत सीटें हैं यहां पे आप सभी के लिए सफिशिएंट है, टेंशन मत लीजिएगा। जिसका मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है उनका यहां पे सेकंड लिस्ट पूरा पूरा उम्मीद है कि सेकंड लिस्ट यहां पे जारी होगा। ठीक है, और फर्स्ट लिस्ट में अगर बात करें ज्वाइनिंग के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में 175 को मेन लिस्ट में यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है ज्वाइनिंग के लिए। वहीं अगर बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत स्टैंड बाय लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 22 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है, पर वेटिंग लिस्ट में सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, तो इसमें सिर्फ 8 ही लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और इसमें आपका वेटिंग लिस्ट जो है जारी नहीं किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फीटर ट्रेड का, तो फीटर ट्रेड में अगर हम देखते हैं तो इसमें टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, बहुत कम कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है, मात्र 18 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया फीटर से, और फीटर का यहाँ पे स्टैंड बाय लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिक ट्रेड से, तो मैकेनिक ट्रेड से आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा टोटल यहाँ पे 29 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। और वहीं अगर वेटिंग में बात करें तो मैकेनिक से आपका यहाँ पे 6 कैंडिडेट को रखा गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डीजल मैकेनिक। तो डीजल मैकेनिक के अंतर्गत जो आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का संख्या है ज्वाइनिंग के लिए वो आपका 65 है। कितना? 65 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें से आपका मैकेनिकल डीजल का स्टैंड बाय लिस्ट में अगर बात करें तो 8 कैंडिडेट को यहाँ पे रखा गया है वेटिंग लिस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पेंटर में। तो पेंटर में जो फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो आपके 22 है, और अगर वेटिंग लिस्ट में बात करें तो मात्र 2 ही कैंडिडेट को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए प्लम्बर से अगर बात करते हैं तो प्लम्बर से टोटल यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 18 की संख्या में है। वहीं अगर वेटिंग से बात करते हैं तो वेटिंग से मात्र आपका 3 ही कैंडिडेट को रखा गया है वेटिंग में ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश से बात करें तो इसमें 10 कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा गया है, और वहीं अगर स्टेनोग्राफर हिंदी से बात करें तो मात्र 5 कैंडिडेट को यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में ज्वाइनिंग के लिए रखा गया है। ठीक है, चलिए टर्नर से अगर बात करते हैं तो टर्नर से आपको देखने को मिलेगा मात्र 1 कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, जिसका 86.38% कट ऑफ गया है। ठीक है, वेल्डर से अगर बात करते हैं तो वेल्डर से यहाँ पे देखिए मात्र 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है आपका ज्वाइनिंग के लिए, और तीनों कैंडिडेट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं और कट ऑफ भी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। चलिए वायरमैन से अगर बात करें तो वायरमैन से अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है 33 है। कितना? 33 कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया मेन लिस्ट में, और अगर स्टैंड बाय लिस्ट में बात करेंगे तो मात्र 2 ही कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अब बात करते हैं डेंटल रेगुलेटरी टेक्नीशियन से, तो 1 कैंडिडेट को बुलाया गया है। गैस कटर से 1 कैंडिडेट को लिया गया है। हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर से भी 1 कैंडिडेट को यहां पे लिया गया है। ठीक है ना, हालांकि नहीं 1 कैंडिडेट को नहीं, ये सारे में आपका नो एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड। सोच लीजिए कि डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ऐसा ट्रेड है, गैस कटर ऐसा ट्रेड है, और हेल्थ एसनेसनी इंस्पेक्टर ऐसा ट्रेड है जिसमें यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं पाया गया। इसके साथ साथ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में भी यहाँ पे इनको कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिला। अब ये समझ लीजिए कि इनका फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करें आप होस्टल्स में, आपको यहाँ भी कोई कैंडिडेट डिपार्टमेंट को नहीं मिला, और यहाँ पे बात करें केबल ज्वाइंटर में तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट को कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट देखने को नहीं मिला। तो ये फाइनली था आपका डीआरएम ऑफिस का अपडेट, डीआरएम ऑफिस नागपुर का। अब यहां पे देखिए मोतीबाग का अगर बात करें तो मोतीबाग में आपका जो फीटर में फाइनल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो आपका 26 कैंडिडेट को लिया गया है। वेल्डर से अगर बात करते हैं तो वेल्डर से आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है मात्र 5 कैंडिडेट को आपका वेल्डर ट्रेड से आपका ज्वाइनिंग के लिए उठाया गया है। वहीं अगर बात करें कारपेंटर से, इसमें देखिए आपका स्टैंड बाय लिस्ट मोतीबाग में जारी नहीं किया गया क्योंकि मोतीबाग में बहुत कमी वैकेंसी था। ठीक है, कारपेंटर से बात करें तो 9 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया ज्वाइनिंग के लिए। पेंटर से अगर बात करें तो इसमें भी 9 कैंडिडेट को लिया गया है। वहीं अगर टर्नर से बात करते हैं तो टर्नर से आपको देखने को मिलेगा कि 4 ही कैंडिडेट को लिया गया है, और आपका स्ट्रक्चरल असिस्टेंट से बात करें तो 3 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। वहीं अगर बात करें स्ट्रक्चरल असिस्टेंट स्टैंड बाय, देखिए एक ऐसा ट्रेड है स्ट्रक्चरल असिस्टेंट जिसमें आपका मोतीबाग वर्कशॉप में वेटिंग वालों कैंडिडेट को जगह दिया गया है, सिर्फ आपका 1 वेटिंग इसमें रखा गया है। ठीक है ना, बाकी आप सारा जो डिटेल है आपको यहाँ पे बताया गया है। हालांकि अभी तक आपको ज्वाइनिंग के लिए अभी नहीं बुलाया गया, ज्वाइनिंग का डेट अभी तक इसमें जारी नहीं किया गया, तो टेंशन मत लीजिए, आपका ज्वाइनिंग का डेट भी बहुत जल्द आपको रिलीज किया जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया, सभी को पढ़ लेते हैं। द एबव मेंशनड एम्प्लीमेंट हैज बीन अप्रूव्ड ऑफ कॉम्प्लेंट अथॉरिटी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट। उसके बाद आपको बोला गया है कि इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू बी अप्रेंटिसिप ऑन कंप्लीट ऑफ द पीरियड ऑन हिज अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन दिस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि सेल इट बी ऑब्लिगेट ऑन द पार्ट ऑफ अप्रेंटिस टू बी एक्सेप्ट एन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अंडर द एम्प्लॉयर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको यहां से ट्रेनिंग के बाद आपको रोजगार की कोई भी गारंटी नहीं दिया जाएगा, यह सिंपल 1 साल का आपका ट्रेनिंग है। उसके बाद द कम्युनिटी वाइज अवेलेबल स्टैंड बाई कैंडिडेट इन दी एवब ट्रेड हैव बीन केप्ट टू मीट दिस शॉर्ट फॉल अराइज ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पे स्टैंड बाई में रखा गया है, ठीक है, उनके लिए बोला गया है कि जब आपका मेल लिस्ट में कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मेल लिस्ट से कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं आएंगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और जितने भी स्टैंड बाई में कैंडिडेट हैं
टेंशन मत लीजिए, आपका वेटिंग 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रायपुर का भी ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया है और रायपुर का भी ज्वाइनिंग आपका 8 तारीख से शुरू हो रहा, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें चले जाएंगे और बहुत सारे कैंडिडेट जो है कॉमन है जिसका रायपुर और नागपुर दोनों जगह नाम आया, तो वो किसी एक ही जगह ज्वाइन करेंगे और उम्मीद है कि यहाँ पे रायपुर में सबसे पहले जाके वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे बुलाया बताया गया कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डीवी के टाइम नहीं दिया गया तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको कंपलसरी है कि वहाँ पे देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको बोला गया है कि आप यहाँ पे अपना रहने खाने का बंदोबस्त आपको खुद करना है, रेलवे इसके लिए आपको कोई भी सहायता कोई भी कुछ हेल्प वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। तो फाइनली अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और ये सारा घोषणा पत्र आपको बनवा कर लेके जाना है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के लिए, सारा आपको बनवा कर लेके जाना है। एक बात का याद रखिएगा कि अभी तक ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग नहीं आया है, ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जो है कैंडिडेट के यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, तो अभी एक एक करके अपना नाम लीजिए मिला लीजिएगा और साथ में यहाँ पे कटअप दिया गया है, कटअप का जो वीडियो है हम आपको कल अपडेट करेंगे और उसमें डिटेल से बात करेंगे कि किस स्टेट का कितना कटअप गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरिट लिस्ट आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो मेरिट लिस्ट सीधे आपको चले जाना है प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे और वहां से जाके आप मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। कहां से? प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे जाएगा मेरिट लिस्ट का सेक्शन में और वहां पे जाके आप मेरिट लिस्ट को इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।